आज डिस्कस करेंगे सिंडर कैचर के बारे में। जो सिंडर कैचर होता है उसको हम डस्ट कलेक्टर बोलते हैं। तो सिंडर होता क्या है, अगर हिंदी में हम इसका मीनिंग देखें तो वो होती है राख। मीन्स राख को कैच करना या फिर डस्ट को कलेक्ट करना, वो होता है सिंडर कैचर या फिर डस्ट कलेक्टर। तो डस्ट कलेक्टर है क्या? डस्ट कलेक्टर एक चीज़ है, एक तरह का इक्विपमेंट है। वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए फर्नेस के अंदर हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेस बनती हैं फ्यूल को बर्न करने के बाद, ये हमारा काम करती हैं, बॉयलर के ऊपर काम करती हैं, उसको गर्म करती हैं और उसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद जो फ्ल्यू गैसेस बाहर जाती हैं काम करने के बाद, तो इन फ्ल्यू गैसेस के साथ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम डस्ट बोलते हैं। जैसे जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे से सब्सटेंस हैं जो फ्यूल के, वो मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम राख भी बोलते हैं, ऐश भी बोलते हैं। तो वो मिक्स हो जाते हैं या कुछ डस्ट के पार्टिकल इसमें मिक्स हो जाते हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली एटमोसफियर में छोड़ देते हैं तो ये ब्रेथिंग जो प्रॉब्लम है, ह्यूमन जो ब्रेथ करता है, जब सांस लेता है, तो काफ़ी सारी तरह की प्रॉब्लम्स ह्यूमन को आती हैं। तो उससे बचने के लिए जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं डस्ट कलेक्टर, या फिर जिनमें से एक है सिंडर कैचर, जिसको हम राख को कैच करने वाला भी बोलते हैं या फिर डस्ट कलेक्टर करने वाला भी बोलते हैं। तो एक तरह का मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर है। तो इसके अंदर होता क्या है, ये कैसे डस्ट को कलेक्ट करता है, जिसकी एफिशिएंसी है लगभग 60-75% तक होती है। तो ये काम कैसे करता है, देखिए, जब फ्ल्यू गैसेस आएंगी जो कि हमारी लेस हैं डस्ट के साथ, यहाँ पे गैस आई है विद जो हमारे सिंडर है, या आप बोल सकते हैं कि डस्ट है, उसके साथ गैस आई। तो आगे क्या है, ये वर्टिकल बैफल्स लगे हैं, वर्टिकल बैफल्स हैं। वर्टिकल बैफल्स क्या होती हैं, इस तरह का एक वर्टिकल स्फेरिकल बैफल्स, इस तरह की रोड्स लगी हैं जो कि एक के पीछे एक हैं, जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लगाई जाती हैं। और इसी तरह से ये रो में भी हैं और कॉलम्स के अंदर भी हैं, तो इस तरह से बटी हुई हैं, इसके पीछे भी हैं और इसके इधर भी एक के बाद एक लगे हुई हैं। तो और इनका जो बैफल्स हैं स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ये इस गैस की डायरेक्शन को भी चेंज कर सके। मान लीजिए अगर मैं हाफ बैफल यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इस तरह से, और हाफ बैफल यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इस तरह से, और इसी तरह से कोई भी मुझे डायरेक्शन देनी है गैस को, तो गैस आएगी यहाँ, टकराएगी, तो इस तरह से वो मूव करेगी। तो कोई भी डायरेक्शन हम गैस को भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू बैफल। एक तरह के रिफ्लेक्टर्स हैं, जब गैस टकराएगी तो इनसे वो रिफ्लेक्ट भी होगी, या फिर टकराने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी को तोड़ देते हैं। तो जब मान लीजिए कोई तेज़ चीज़ है, उसके अंदर डस्ट है, मान लीजिए एयर है, तो जब ये इसे टकराएगी तो क्या होगा, जब इसकी वेलोसिटी टूटेगी तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसे स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि वो हैवी हैं। अगर हम एयर के एक कंपैरिजन में उसको लें तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे की तरफ यहाँ पे गिरेंगे। तो इस तरह से जो क्लीन गैस हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो गैस भी डस्ट है वो यहाँ पे टकराएगी, कुछ गैस यहाँ पे आएगी, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं डस्ट के, इनसे टकराने के बाद वो इस होपर के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो क्लीन गैस है वो हमारी, हमें यहाँ इस ओपनिंग के थ्रू मिलेगी, और यहाँ से जो भी गैस निकलेगी वो लगभग 60-75% क्लीन होगी। तो इस तरह से जो क्लीन गैस हम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो गैस है वो डायरेक्टली स्ट्राइक होने के बाद, अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करते कुछ बैफल्स के अंदर, तो कुछ गैस डायरेक्टली यहाँ से निकलती है, जिसके अंदर काफ़ी कम जो हमारे डस्ट पार्टिकल बहुत ही कम रह जाते हैं, इसे टकराने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं, और कुछ गैस हमारी यहाँ से निकलती है, कुछ डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ से ओपनिंग के थ्रू निकलती है, और जो डस्ट है वो इस होपर के अंदर कलेक्ट हो जाती है। तो ये डस्ट जो कलेक्टर है, जिसके अंदर एक होपर लगा है नीचे, जो कि सारी डस्ट को नीचे कलेक्ट करेगा, और जो गैस है यहाँ पे बैफल लगे हैं जो कि उसकी वेलोसिटी को तोड़ेंगे और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको नीचे गिराएंगे और एक क्लीन गैस को आगे देंगे। तो इस तरह के डस्ट कलेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, जो मेनली कोल प्लांट्स हैं उनके अंदर यूज़ किए जाते हैं, ताकि एक अच्छी एयर बाहर हम एटमोसफियर में छोड़ सकें।
तो ये था सिंडर कैचर और डस्ट कलेक्टर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।